यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं स्टूडेंट के लिए कुछ मोटिवेशनल कोर्स लेकर आया हूँ जो आपकी सफलता की राह में मदद करेंगे और आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं आगे बढ़ने के लिए प्रेरणादायी विचारों का होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन को बदलकर रख देगी। स्टोरी क्या है, एक समय क्लास में एक टीचर आया तो क्लास में सभी स्टूडेंट बैठे हुए थे, फर्स्ट क्लास था। टीचर ने बोला कि भाई सब मुझे ये बताओ कि तुम्हारा सपना क्या है, जो भी तुम्हारा सपना है मुझे एक पेज पर लिख के सभी स्टूडेंट दे दो। कुछ स्टूडेंट ने टीचर्स लिखा, कुछ स्टूडेंट ने डॉक्टर्स लिखा, कुछ स्टूडेंट ने इंजीनियर लिखा, सब ने अलग अलग लिखा। बट एक लड़के ने कहा कि सर मैं अपना विचार आपको बताने के लिए, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं इसके लिखकर आपको लिख के दे दूंगा कि मुझे बनना क्या है, मुझे एक दिन का समय चाहिए। सभी एक्साइटेड थे, भाई ये क्या लिखेगा, क्या लिख के देगा, इस चीज़ को लेकर सभी बहुत एक्साइटेड थे। उस लड़के ने कल टीचर को लाया और वो 3 पेज का अपना ड्रीम लिख के दिया। 3 पेज के ड्रीम में क्या देखा, स्टूडेंट ने लिखा हुआ था कि मुझे अपने नाम से कोई कंपनी बनानी है, मेरी लग्जरी गाड़ियाँ होंगी, बड़ा बंगला होगा, मेरी टीम, मेरी कंपनी में इतने लोग काम करेंगे, मेरे साथ इतने बॉडीगार्ड रहेंगे। तो टीचर ने उसका ड्रीम देखते साथ उसको बुलाया, उसका काफ़ी इंसल्ट किया क्लास में, बोला कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम एक बहुत छोटे परिवार से आते हो, तुम्हारा इतने बड़े सपने देखना तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम ये चीज़ नहीं कर सकते, ऐसा करो जो तुम बन सकते हो। इतना कुछ कहने पर उस स्टूडेंट के मन में एक ऐसी भावना प्रकट हुई कि उसने अपने उसको मना करने के बावजूद भी सब पूछते थे तो वो यही कहता था कि नहीं मेरा सपना ये है। अपने पिताजी से मिलने गया, पिताजी ने भी यही बोला कि भाई हम इतना तुम्हारे लिए नहीं कर सकते, तुम इतने बड़े आदमी नहीं बन सकते। उसके बाद अपनी मम्मी के पास गया, उसकी मम्मी ने उसको सपोर्ट करा, उसकी मम्मी ने कहा ठीक है बेटा तुम अपनी मेहनत करना, जितना हो सके मेहनत करना, अपने सपने पे फोकस करना, जिन लोगों ने तुमको मना किया है कि ये चीज़ नहीं हो सकती, तुमको इस पर बहुत मेहनत करनी है, फोकस करना है, तब जाके तुम्हें कामयाबी मिलेगी। उस लड़के का एक जुनून बन गया, एक जुनून जैसे होता है ना, जुनून जिद हो गई, जिद बनना बहुत जरूरी है स्टूडेंट लाइफ में कुछ भी पाने के लिए, जिद हो गई कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है। कुछ समय के बाद 10 साल गुजरे, 15 साल गुजरे, 20 साल के बाद उस लड़के ने अपने नाम से कंपनी क्रिएट करी। कंपनी क्रिएट करने के बाद उसके पास बंगला गाड़ी सब कुछ हुआ, तो उसके मन में आया कि क्यों ना हम मुझे अपने टीचर से मिलना चाहिए। उसके साथ वो कुछ दिन के बाद अपने टाउन लौटा, टाउन लौटने के बाद वो अपने टीचर से मिलने गया, तो टीचर देखा तो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे। जैसे ही टीचर के घर गया तो देखा कि लग्जरी गाड़ी में से उतरा और 3-4 बॉडीगार्ड उसके साथ में थे, तो टीचर ने उसको नहीं पहचाना। फिर क्या हुआ कि उसने अपने टीचर को बताया कि सर मैं वही लड़का हूँ जो मेरा सपना था, आज मैं वो सपना अपना अचीव कर पाया हूँ, ये मेरा कार्ड है, अगर कहीं भी आपको मेरी ज़रूरत हो तो मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। इस स्टोरी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, इस स्टोरी से हमें प्रेरणा मिलती है कि स्टूडेंट का आजकल ड्रीम एक नहीं है, सपना एक नहीं है, गोल नहीं है, गोल पर फोकस नहीं है। अगर आपका अपना एक गोल होगा, उस गोल पर अगर आप वर्क करेंगे तो आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आज का स्टोरी यही था और मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो को पहुँचाना।